असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा कि ई कैलकुलेशन ईडीडी क्या है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ़ डिलीवरी ठीक है इसकी कैलकुलेशन में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बारीक सी बात है लेकिन आपको लाजमी पता होना चाहिए सो कैलकुलेशन ऑफ ई मैं आपको समझाती हूँ किस तरह करना है बहुत सिंपल सा है हमने क्या करना है पेशेंट से पूछना है उसकी लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड की डेट तो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड उसे थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हुआ था तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम डेट में सेवन प्लस करेंगे सेवन टू डेट एंड प्लस नाइन टू मंथ और ऑब्वियसली ईयर तो नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंगली ठीक है थ्री में हमने सेवन ऐड किया सो इट विल बी टेन ऑगस्ट है तो हमने नाइन ऐड करना है ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई ठीक है हमने क्या किया ऑगस्ट में हमने नाइन ऐड किया सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मे नाइन एड करने के बाद हमारे पास कौन सा मंथ आ रहा है मे एंड टू थाउजेंड नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी तो यानी ये टेंथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज कैलकुलेटेड एज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ठीक है बहुत सिंपल सा है रूल बस याद रखें कि हमने डेट में सेवन ऐड किया और मंथ को हमने नाइन आगे कर दिया या मंथ में हमने नाइन ऐड कर दिया और ईयर को नेक्स्ट कर दिया अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है अब अगर जनवरी में है तो नाइन ऐड करने के बाद वही ईयर रहेगा सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको पूछा जा सकता है और आपको ये आना चाहिए कि बस इन दो बातों को याद रखो थैंक यू सो मच होप यू लाइक द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक like कर लेना टेक केयर हाफिज़